लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। शासन ने होटल, मिष्ठान भंडार, चाय दुकान इत्यादि को बंद करने के आदेश जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए हैं। इसके बावजूद प्रशासन को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ मिष्ठान भंडार के संचालक लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए चोरी छिपे पुराने मावे की मिठाइयां बेच रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के आदेश नगरीय प्रशासन को दिए। आदेश मिलने के बाद नगरीय प्रशासन की टीम ने दुकान संचालकों को बुलाकर मिष्ठान भंडार खुलवाए। इस दौरान पाया गया कि कुछ मात्रा में पुरानी मिठाइयां दुकान में रखी है, जिसके बाद पुरानी मावे की मिठाइयों को नष्ट करवाया और संचालकों को हिदायत दी गई कि मिष्ठान भंडार से किसी प्रकार की मिठाइयां नहीं बेची जाएंगी। पन्ना से रतन सिंह की रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 22 मार्च से लगातार लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद है। जिनमें मीठा की दुकानों में विशेषकर जैसे मीठा है पदार्थ है तो वो नष्ट हो चुका है। कई दुकानदार रखे ना हो और उनको खाने से किसी जानवर को या किसी को भी कोई क्षति ना हो, इसलिए उनको चेक करके देख लो आके उसको नष्ट कराने के लिए हम उन सब प्रयास कर रहे हैं। सर कहाँ कहाँ अभी नष्ट करवा? अभी जो है एक दुकान है डॉक्टर मोदी के पास, नगर पालिका के पास, वहाँ। इसके बाद जो है पंजाब से आए तो वहाँ जो है कोई खराब मिठाई नहीं मिला। इस तरह से अभी देखते हुए जो भी दुकानें हैं सभी को देखेंगे और जिनमें खराब सामग्री है उनको नष्ट कराएंगे। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।